नमस्ते, मैं हूँ प्रियंका और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनाइजर मीडिया। अब हमारे फेस्टिवल का जो सीजन है वो स्टार्ट हो गया है, दिवाली भी आने वाली है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबके लिए कुछ ऐसे वीडियोस बनाए जाएं जो आपके लिए थोड़े से हेल्पफुल हो रिलेटेड टू होम क्लीनिंग एंड होम ऑर्गेनाइजेशन। तो आज इस फर्स्ट वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, किस तरीके से हम अपने घर के लिए एक परफेक्ट मॉप को चूज कर सकते हैं। आज मैं आप सबके साथ में कुछ डिफरेंट टाइप के मॉप्स, उनका यूसेज, प्रोस और कॉन्स, विद देयर रेट और क्या मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है हर एक मॉप से रिलेटेड वो शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ये है एक बहुत ही नॉर्मल सा रेगुलर स्टिक मॉप जो आपको बहुत ही आसानी से किसी भी स्टोर पे मिल जाता है। मोस्टली हमने इसी मॉप को बहुत सारे घरों में यूज होते हुए भी देखा होगा। इस मॉप के हेड पर कॉटन स्ट्रिप्स होती हैं और इन्हीं स्ट्रिप्स की हेल्प से हम पोछा लगा पाते हैं। अब पोछा लगाने के लिए आपको रेगुलर बकेट में पानी और फ्लोर क्लीनर ऐड करना है और फिर इस पोछे को डिप करके एक्सेस वाटर को खुद ही हाथ से निचोड़ना पड़ता है। इस मॉप को मोस्टली बड़े स्पेसेस को क्लीन करने के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। बड़ी स्ट्रिप्स होने की वजह से ये इजिली बिग एरियाज को कवर कर पाता है। सिंपल मैकेनिज्म की वजह से एनीबॉडी कैन यूज इट विदाउट एनी प्रॉब्लम। इस मॉप को आप टेबल, सोफा, बेड, यहाँ तक कि कॉर्नर्स क्लीन करने के लिए बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। इस मॉप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसे बार बार क्लीन करते टाइम हाथ से ही निचोड़ना पड़ता है। इस वजह से ये नॉर्मल मॉप जैसा ही फील देता है। अगर पानी ठीक से ना निचोड़ा जाए तो पानी रह भी जाता है और मॉप इस वजह से बहुत भारी भी लगता है। मैं इस मॉप को 3.5 मार्क्स दूंगी आउट ऑफ 5। ये एक नॉर्मल स्टिक मॉप है, इसी वजह से इजीली आप इन्हें सुपरमार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। अगर मैं इनके प्राइस की बात करूं तो ये स्टार्ट होते हैं 150 रुपीस से और ये रेंज करते हैं अप टू 300 रुपीस। अगर आप एक ऐसा मॉप ढूंढ रहे हैं जो कि काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली हो तो इस मॉप को घर लाया जा सकता है। ये है ट्विस्ट मॉप, नॉर्मल स्टिक मॉप्स का अपग्रेडेड वर्जन। इस मॉप को यूज करते वक्त आपको इसे बार बार हाथ से निचोड़ना नहीं पड़ता है। मॉप हेड पर माइक्रोफाइबर स्ट्रिप्स लगी हुई हैं। बस बकेट में पानी और फ्लोर क्लीनर ऐड करके आपको मॉप को बकेट में डिप करना है। एक्सेस वाटर को रिंग आउट करने के लिए इस मॉप में ट्विस्ट करने का ऑप्शन है। बस ट्विस्ट करके आप एक्सेस वाटर रिंग आउट कर सकते हैं। ये मॉप भी बड़े एरियाज को बहुत इजीली कवर कर पाता है और फटाफट आप इस पोछे की हेल्प से घर का पूरा पोछा लगा सकते हैं। कॉर्नर्स पर भी ये मॉप बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अगर मॉप हेड खराब हो जाता है तो आप इसे बहुत इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। फ्रंट से राउंड शेप होने की वजह से ये बहुत नैरो स्पेसेस पे जैसे कि बेड, सोफा या फिर कुछ ऐसे एरियाज में इजीली नहीं जा पाता है। ट्विस्ट फीचर होने की वजह से ये मॉप्स बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं। ट्विस्ट मॉप एग्जैक्टली नॉर्मल मॉप जैसा ही काम करता है, लेकिन इस मॉप की बनावट थोड़ी सी हैवी है जिस वजह से ओवरऑल इस मॉप को यूज करते टाइम बहुत हैवी फील होता है। मैं इस मॉप को रेट करूंगी 2 out of 5। अगर मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो आई वुड लाइक टू स्टिक विद नॉर्मल स्टिक बिकॉज़ इसमें ट्विस्ट करने के फीचर के अलावा ऐसा कोई खास अपग्रेड नहीं है। प्राइस भी इनका स्टार्ट होता है फ्रॉम अराउंड 400 टू 800 रुपीस। ये है फ्लैट स्प्रे मॉप। मॉप के हेड पर एक माइक्रोफाइबर पैड लगा हुआ है और इसमें एक बॉटल होती है जिसमें आप पहले से ही वाटर प्लस फ्लोर क्लीनर फिल करके रख सकते हैं। मॉप स्टिक के टॉप पर एक प्रॉपर हैंडल है जिस पर ट्रिगर है, उसे यूज करके नोजल में से पानी बाहर आता है। ये मॉप्स बहुत ही लाइट एंड वेट होते हैं एंड इजी टू यूज। बिगेस्ट बॉटल में ऑलरेडी फ्लोर डिसइंफेक्टेंट होने की वजह से आप इजीली स्प्रे करके फ्लोर को क्लीन कर सकते हैं। अगर आपको हल्के फुल्के फ्लोर पर स्टेन्स हैं और इमीडिएटली फ्लोर को क्लीन करना हो तो ये मॉप बेस्ट है। माइक्रोफाइबर पैड को निकाल के वॉश कर सकते हैं और इसे वापस उसी जगह पर लगाया भी जा सकता है।
इस मॉप का यूज रेगुलर बेसिस पर एवरीडे क्लीनिंग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज ना तो आप बार बार माइक्रोफाइबर पैड को निकाल के उसे निचोड़ सकते हैं और ना पूरे घर का पोछा स्प्रे को बार बार यूज करके किया जा सकता है। मैं इसे रेट करूंगी 4 out of 5। प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूं तो ये मॉप आपको मिलते हैं 500 रुपीज से 1200 रुपीज तक के। अगर आप आपके घर पर एक ऐसा मॉप चाहते हैं जिससे कि आप तुरंत या थोड़ी सी क्लीनिंग किसी भी चीज के स्प्रे होने पर उस एरिया को इमीडिएटली क्लीन कर पाएं, उसके लिए स्प्रे मॉप एकदम परफेक्ट है। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मॉप दीस डेज इन एवरी होम। इस मॉप के बहुत सारे वेरिएंट्स भी आते हैं, बहुत डिफरेंट ऑप्शंस के साथ में। आप आपकी नीड के अकॉर्डिंगली परचेज कर सकते हैं। मेरे पास बहुत ही बेसिक सा वर्जन है एंड इट्स फुलफिलिंग ऑल माय नीड्स। स्पिन मॉप में एक स्टिक मॉप होता है और इसके मॉप हेड पर एक राउंड माइक्रोफाइबर पैड लगा होता है। इसके साथ एक बकेट आती है जिसमें आप पानी और फ्लोर क्लीनर डाल सकते हैं। सेपरेट स्पिनर होता है वाटर रिंग आउट करने के लिए। कुछ टब में आपको व्हील्स वाला ऑप्शन भी मिलता है इसे मूव करने के लिए। ये मॉप्स बहुत ही हल्के होते हैं और एकदम प्रैक्टिकल एवरीडे क्लीनिंग के लिए। इन मॉप्स को इजीली फर्नीचर के नीचे ले जाकर भी मॉपिंग की जा सकती है। ये मॉप्स बहुत ही सिंपल होते हैं, इस वजह से इसे कोई भी यूज कर पाता है। आप पैड्स को इजीली निकाल सकते हैं क्लीन करने के लिए और जब ये खराब हो जाए तो इन्हें इजीली रिप्लेस भी किया जा सकता है और इनके रिफिल्स आपको किसी भी सुपर मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। राउंड शेप होने की वजह से कॉर्नर्स क्लीन करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। इसको यूज करने के लिए इसकी प्रॉपर बकेट का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इसे रेट करूंगी 4.5 आउट ऑफ 5। स्पिन मॉप्स आपको बहुत आसानी से किसी भी सुपरमार्केट में मिल जाएंगे। बेसिक मॉडल स्टार्ट होता है 500 रुपीस से 800 रुपीस तक और थोड़ा सा अपग्रेडेड या ज्यादा फीचर्स वाले मॉप आपको मिलते हैं 1000 रुपीस से 1500 रुपीस तक। अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं तो इफ इट्स अ नो मेड डे देन आई लाइक टू टेक आउट माय स्पिन मॉप। दिस इज अ फ्लैट मॉप। बहुत ज्यादा पॉपुलर होने की वजह से मैंने इसको ऑर्डर किया था। ये एक फ्लैट स्टिक मॉप विद स्लाइडर है। इसमें स्लाइडर गिवन होता है। स्लाइडर को बैक एंड फोर्थ कुछ इस तरीके से मूव करके आप एक्सेस वाटर रिंग आउट कर सकते हैं। ये मॉप्स वेट में बहुत लाइट होते हैं, इस वजह से आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपके घर में वुडन फ्लोरिंग है तो उसके लिए ये मॉप एकदम परफेक्ट है। ये मॉप्स 360 डिग्रीज रोटेट होते हैं और बहुत ही आसानी से कॉर्नर, सोफा और नैरो स्पेसेस से मॉपिंग कर सकते हैं। इसे यूज करने के लिए बड़े बकेट में पानी फिल करना पड़ता है, तभी आप इसका जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है उसे अच्छे से गीला कर पाएंगे, या फिर डायरेक्टली टैप के नीचे आप इसे गीला कर सकते हैं, बट उससे पानी वेस्ट होता है। जब आप एक्सेस वाटर को रिंग आउट करते हैं उसके लिए आपको बार बार बाथरूम या फिर किसी ड्रेन होल के पास में जाना पड़ता है, अदरवाइज फ्लोर में बहुत सारा पानी गिरता रहता है। बहुत ही हल्का होने की वजह से फ्लोर से ये कभी कभी टब स्टेन्स रिमूव नहीं कर पाता है। इसका प्राइस स्टार्ट होता है 400 रुपीस से अप टू 1500 रुपीस। मैं इस मॉप को रेट करूंगी 2.5 आउट ऑफ 5। इस मॉप को परचेज करने से पहले मैंने डिसाइड किया था कि सबसे पहले मैं फ्लैट स्टिक मॉप विद स्लाइडर परचेज करके देखूंगी और अगर मुझे ये अच्छा लगा तभी मैं इसका बकेट वाला ऑप्शन ऑप्ट करूंगी। बट मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस मॉप के साथ है कि कभी कभी यूज के लिए तो ये मॉप ओके है, बहुत ज्यादा हल्के होने की वजह से मैं इसे पूरे घर की क्लीनिंग एवरी डे पॉसिबल नहीं समझती हूँ। दिस इज अ बटरफ्लाई मॉप और इसे मैंने रिसेंटली 3 या 4 months पहले ही परचेज किया है। मॉप हेड पर एक डैम डस्टर लगा हुआ है या बोल सकते हैं एक स्पॉन्ज लगा है। जब फर्स्ट टाइम हम इस प्रोडक्ट को रिसीव करते हैं तो ये स्पॉन्ज डैम्प आता है और बहुत ही सॉफ्ट सा भी फील होता है। पानी निचोड़ने के लिए आपको इस ट्रिगर को ऊपर की तरफ पुल करना है और सारा पानी रिंग आउट हो जाएगा। ये मॉप एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जिस वजह से बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी स्पॉन्ज में नहीं रहता है और फ्लोर पर वाटर स्ट्रीक्स भी नहीं पड़ते हैं। इस मॉप का शेप बटरफ्लाई जैसा है, उस वजह से इसे बेंड करते ही ये छोटी सी बकेट में भी इजीली यूज किया जा सकता है। स्पॉन्ज बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं और फ्लोर से बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर इसका स्पॉन्ज खराब हो जाए तो इसे आप इजीली रिप्लेस भी कर सकते हैं। आप इस मॉप से वॉल्स को भी क्लीन कर सकते हैं अगर आपकी वॉल पर प्लास्टिक पेंट है तो।
इस मॉप को जब हम यूज करने के बाद में हैंग करते हैं तो नेक्स्ट यूज में जो स्पॉन्ज है वो एकदम हार्ड स्टोन जैसा हो जाता है। आपको इसे पानी में डिप करके रखना पड़ता है फॉर अराउंड 2 to 3 minutes ताकि स्पॉन्ज एकदम सॉफ्ट हो जाए। इसका प्राइस स्टार्ट होता है 700 रुपीज से अप टू 1500 और 1600 रुपीज तक। मेरी तरफ से इस मॉप के लिए 3.7 out of 5। वॉल्स क्लीन करने की वजह से मैं बोल सकती हूँ कि ये मॉप थोड़ा सा वॉसिकाई है और इसी वजह से इसे थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट भी दूंगी क्योंकि अभी दिवाली का टाइम आने वाला है और अगर आपकी वॉल्स गंदी हैं तो इस मॉप को आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ इसकी यूसेज का तो यूसेज इसका थोड़ा सा लिमिटेड है। हाँ, इसको एवरीडे मॉपिंग के लिए तो यूज नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर आपकी बालकनीज में बहुत ज्यादा पानी है या वो मिट्टी से भरी हुई है तो आप इस तरीके के मॉप्स को डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। स्पॉन्ज बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करेगा और एक स्क्रबर की तरह काम करके मिट्टी को भी डेफिनेटली क्लीन करेगा। मार्केट में आपको ऐसे स्टिक मॉप्स भी मिलते हैं जिसके मॉपिंग हेड पर एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लगा हुआ होता है और बैक साइड में कुछ क्लिप्स होते हैं उस क्लॉथ को होल्ड करके रखने के लिए। इन मॉप की हेल्प से आप गीला पोछा तो लगा सकते हैं, लेकिन इसे बार बार क्लिप से रिलीज करके हाथ से ही कपड़े को धोना पड़ेगा, तो ऐसे मॉप्स बिल्कुल भी ना परचेज करें वेट मॉपिंग के लिए। लेकिन अगर आपके पास ऐसे मॉप्स हैं तो इन्हें ड्राई मॉपिंग के लिए यूज किया जा सकता है एज अ ब्रूम स्टिक। बहुत बार घर क्लीन होता है लेकिन फिर भी बेयरफुट चलने पर डस्ट पार्टिकल्स फील होते हैं, तब इस मॉप को यूज करके फ्लोर से डस्ट पार्टिकल्स को इजीली पिक किया जा सकता है। वॉल्स पर अगर आपको ड्राई क्लीनिंग करनी है तब भी आप इस मॉप का यूज कर सकते हैं। इस तरीके के मॉप्स आपको मिलते हैं 300 से 700 रुपए तक के। ऐसे मॉप्स को मैं रेट करूंगी 2 out of 5। ऐसा फ्लैट मॉप जिसके हेड पर माइक्रोफाइबर क्लॉथ लगा हुआ है लेकिन पानी निकालने के लिए कोई खास प्रोविजन नहीं है, तो ऐसे मॉप्स को वेट मॉपिंग के लिए यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी भी आपके पास अगर ऐसा फ्लैट मॉप है तो आप उसे यूज कर सकते हैं ड्राई मॉपिंग के लिए। या आजकल मार्केट में आपको वैक्यूम क्लीनर के साथ मॉपिंग का ऑप्शन भी मिल रहा है, मेरे ख्याल से ये ऑप्शन भी देखा जा सकता है। ड्राई वैक्यूमिंग के साथ में वेट मॉपिंग का अटैचमेंट आता है, बस आपको वाटर फिल करके मॉपिंग टूल के साथ वैक्यूम वॉन्ड पर अटैच करना है। जैसे आप नॉर्मल वैक्यूम करते हैं उसी तरीके से आपको इसे भी यूज करना होता है। इस टूल की हेल्प से आप वैक्यूम भी करते हैं और साथ में मॉपिंग भी हो जाती है। अगर घर बहुत ज्यादा गंदा नहीं है तो आई वुड सजेस्ट ब्रूम को स्किप किया जा सकता है डायरेक्टली इस टूल के साथ में। एवरीडे इसे यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके साथ में ये जो वाटर बॉटल आती है काफी ज्यादा छोटी होती है तो इसे बार बार फिल करना पड़ता है पूरे घर को मॉप करने के लिए और ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। इसकी रेटिंग है 2 out of 5। कुछ ऐसे लेजी डेज जब मुझे बहुत ज्यादा काम करने का मन ना हो, हाउस हेल्प भी ना हो और घर बहुत ज्यादा गंदा भी ना हो, तभी मैं अपने वैक्यूम क्लीनर को निकालती हूँ फॉर वेट मॉपिंग, क्योंकि इसे एवरीडे यूज के लिए निकालना इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। आज के इस वीडियो में मैंने आप सबके साथ में 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉप शेयर करे एंड आई होप कि अगर दिवाली के लिए आप कोई नया मॉप परचेज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए थोड़ा बहुत यूजफुल रहा होगा। इसी तरीके के और दिवाली क्लीनिंग एंड होम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड और भी वीडियोस आने वाले वीक्स में मैं पब्लिश करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। अब अगर मैं बात करूँ मेरे फेवरेट मॉप की तो वो है स्पिन टब मॉप। पैंडेमिक टाइम पर जब हमारे घर 1.5 ईयर के लिए कोई हाउस हेल्प नहीं थी तो मैं एवरी डे इसी मॉप को यूज करती थी घर को क्लीन करने के लिए। काफी ज्यादा वर्सेटाइल है, व्हील्स भी लगे होते हैं तो इसे ड्रैग करना भी बहुत ज्यादा इजी होता है और घर का कोई भी फैमिली मेंबर इसे बहुत इजीली मॉप कर सकता है। स्पिन टब मॉप के बाद में अगर कोई मॉप मुझे बहुत ज्यादा यूजफुल लगता है तो वो है फ्लैट मॉप विद स्प्रे। पैंडेमिक में ही मैंने इस मॉप को परचेज किया था। जब भी हम बाहर से अंदर आते थे और उस एरिया को डिसइंफेक्ट करना हो तो ये मॉप बहुत ज्यादा हैंडी आता था। स्प्रे करके फटाफट हम उस एरिया को क्लीन कर देते थे। घर में बच्चे भी हैं, खेलते कूदते अगर कभी कुछ स्पिल हो जाए तो उस छोटे से एरिया को क्लीन करने के लिए ये मॉप बहुत ज्यादा हैंडी है। मैंने इस वीडियो में आपको और भी बहुत सारे मॉप्स दिखाए हैं, उन मॉप्स को भी मैं यूज करती हूँ बट ओकेजनली। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीक एक और दिवाली क्लीनिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड
बाय बाय।